आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है लोइस कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इस पर आज हमारी डिस्कशन रहेगी मेन। तो आरनियस कॉन्सेप्ट में कहा कि सब अगर वाटर में सॉल्यूशन बनाया जाए तो एच प्लस आयंस जो देते हैं वो एसिड हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस जो देंगे वो बेसिस हैं। ब्रॉनस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर के बारे में बताया कि प्रोटॉन जो डोनेट करेगा वो एसिड है और प्रोटॉन जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस है। इसी तरह से जो लक्स प्लट का मॉडल था उस लक्स प्लट के मॉडल में क्या बताया, उसमें बताया कि जो ऑक्साइड आयन्स डोनेट करेगा वो एसिड है, जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करेगा वो एसिड है। इसी तरह से जो हमारा एक सिस्टम था जिसमें हमने देखा कि सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट में हमने बात की कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसको अगर हम किसी सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करें और अगर वो एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन या किसी जो पॉजिटिव आयन्स हैं, कैटायन्स हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन को अगर इंक्रीज करता है तो वो एसिड है, और अगर वो किसी एनायन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करता है तो वो बेस है। तो ये तीन चारों जो कॉन्सेप्ट्स थे उनकी अलग अलग बातें हम लोगों ने अब तक पढ़ी हैं। आज जो हम बात करेंगे वो लुईस कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कि ये जो लुईस कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से एसिड्स और बेसिस को एक्सप्लेन करता है। तो यहां पर लुईस एसिड की डेफिनेशन जो उन्होंने दी वो दी कि कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वो एसिड है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करने वाला या एक्सेप्ट करने वाला जो भी सब्सटेंस होगा एयर, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग सब्सटेंस एसिड हो। अब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाला सब्सटेंस एसिड है तो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन एक्सेप्ट कर सकता है? इलेक्ट्रॉन पेयर वो एक्सेप्ट कर सकता है जिसके पास में क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, या वो कैटायन हो। तो कैटायंस जो हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होगी और इलेक्ट्रॉन पेयर जो भी आएगा उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस जस्ट इसका अपोजिट है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स किसी के पास में भी अगर प्रेजेंट है, ठीक है ना, और वो अगर क्या कर दे, डोनेट कर दे, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग सब्सटेंस हैं जिनके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो आपके बेसिस कहलाए। सो इस तरह की डेफिनेशन लुईस ने अपने कॉन्सेप्ट में दी। ना तो इन्होंने एच प्लस आयन्स के बारे में कोई बात की, ना ही इन्होंने किसी कैटायन या एनायन के बारे में बात की, सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि जो भी कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे या डोनेट करेंगे उसके हिसाब से वो एसिड्स और बेसिस रेस्पेक्टिवली होंगे, ठीक है। और अगर इन एसिड्स और बेसिस को अगर आपस में मिलाया जाए, या हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, इनकी आपस में अगर रिएक्शन करवाई जाए तो क्या बनेगा, तो सॉल्ट फॉर्म होता है या जो लवण हैं, सॉल्ट हैं, वो बनते हैं। ये बात लुईस कॉन्सेप्ट में बताई गई। और इसको अगर हम समझें एग्जाम्पल्स के थ्रू, तो मान लो कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सब ये हमारे पास में एक एच प्लस आयन है और ये किसी दूसरे सब्सटेंस जो है NH3 इससे रिएक्ट करता है या इसमें इसको मिलाया जाता है तो क्या होगा। अब आप खुद बता सकते हो कि H प्लस आयन जिसके पास में एक इलेक्ट्रॉन
सॉरी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करने वाला है, तो ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कौन होते हैं? वो होते हैं आपके एसिड्स। ये जो NH3 है इसके पास में ये लोन पेयर आप लोग देख पा रहे हो, ये लोन पेयर अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे ये है बेस। और जब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, एसिड और बेसिस के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, सॉल्ट। तो सॉल्ट बन जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये NH3 है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, दो एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस हाइड्रोजन को दे देगा और इस तरह से NH4 प्लस फॉर्म कर लेगा, या फिर आप इसको बोल सकते हो NH4 प्लस। और ये क्या है, ये है सॉल्ट। तो जो मैंने अभी आप लोग को बताया कि लुईस ने कहा कि एसिड्स और बेसिस को मिलाने पर या इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को मिलाने पर एक सॉल्ट फॉर्म होता है जिसमें बेस अपना लोन पेयर, जो NH3 बेस है वो अपना लोन पेयर इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिसे आप एसिड बोल रहे हो उसको प्रोवाइड करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। ये जो बॉन्ड है वो कैसा है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना। अगर इसका, ये तो हमने सिंपल एक कंपाउंड बताया, हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की। तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में अगर हम इसको समझना चाहें तो हम कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि हमने एक, ये एक एसिड लिया, ठीक है ना। अब ये एसिड क्यों है, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी क्यों है, क्योंकि इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एसिड। अब यहां पे हम क्या करते हैं कि जो अमोनिया है, चार अमोनिया के साथ में इसको रिएक्ट कराते हैं। अब ये अमोनिया बेस की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसके पास में ये लोन पेयर है, तो ये आसानी से इसको डोनेट कर देगा और ये क्या कहलाएगा, बेस। नाउ यहां पर आपके पास में कॉपर, और ये जो कॉपर है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो हमें यहां पर देखने को मिल रही है वो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। 4 इसलिए क्योंकि ये यहां पे चार NH3 के साथ में रिएक्ट कर रहा है या अपनी रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना। तो चार NH3 जो है वो अपना अपना लोन पेयर इस कॉपर को प्रोवाइड कर देंगे, ये भी NH3 और ये भी NH3 और यहां पे ये भी है। इन सभी ने अपना अपना लोन पेयर क्या कर दिया, जो कॉपर है उसको प्रोवाइड कर दिया, कॉपर आयन को। और कॉपर आयन किस फॉर्म में था, 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ये 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब आपको पता है कि अमोनिया जो है वो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो इनकी जो चार्ज कंट्रीब्यूशन है वो जीरो है, तो जो भी चार्ज इस कॉपर पर है वही चार्ज हम यहां पर इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर लगा सकते हैं। और आप देखो कि यहां पर लोन पेयर प्रोवाइड करने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, ठीक है ना, ये चार के चार कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स यहां पे बने हैं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट। और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है इसलिए इसे हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। इसको कई बार हम एडक्ट भी बोल देते हैं, एडक्ट प्रोडक्ट। एडक्ट इसलिए क्योंकि ये एडिटिव एक कंपाउंड है जो कि इस एसिड और इस बेस के एडिशन से बना है, इसलिए ये एडक्ट कंपाउंड भी बोल देते हैं इसको, एडक्ट कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरह से आप यहां पर एग्जाम्पल के थ्रू इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो कि कौन लुईस एसिड्स हैं और कौन लुईस बेसिस हैं, और आपस में जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो एसिड्स और बेसिस मिल करके सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं, तो ये एसिड और बेसिस मिले और यहां पर ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना, ठीक है ना। ये सिंपल डेफिनेशन आप जानते हो। अगर हम क्लासिफाई करें एसिड्स और बेसिस को कि लुईस एसिड्स और क्या होते हैं और लुईस बेसिस क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे कि कौन कौन से ऐसी स्पीसीज हैं
जो लुईस एसिड की तरह बिहेव करती हैं या जो लुईस एसिड कहलाती हैं। तो यहां पर पहली कंडीशन जो लुईस एसिड के लिए है वो क्या है कि कम से कम उसके पास में एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। तो एम्प्टी ऑर्बिटल शुड बी देयर, शुड बी प्रेजेंट। अगर एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं हुआ तो वो जो लोन पेयर है उसको एक्सेप्ट कहां से करेगा, क्योंकि आप जानते हो कि लुईस एसिड्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी वहां पर होनी चाहिए, इसलिए एक एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। अब इसको हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग स्पीसीज में कि कौन कौन से ऐसे स्पीसीज हैं जो लुईस एसिड कहला सकते हैं जिनके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल हो। तो देखो सबसे पहले कैटेगरी में वो मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनका जो सेंट्रल मेटल एटम है, जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन, ठीक है ना, इसको मैं कभी बाद में यूज होगा तो CMI या CMA का यूज करूंगा। तो जो सेंट्रल मेटल एटम है वो कैसा होना चाहिए, इनकम्प्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट, ठीक है ना। अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट हुआ तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने पर ये इजीली एक इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने पास क्या कर लेगा, जगह दे देगा। जैसे कि बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके पास में क्या होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप यहां पर एग्जांपल के फॉर्म पे ले सकते हो कि BeCl2, ठीक है ना, या आप ले सकते हो BF3, या फिर आप क्या ले सकते हो, आप ले सकते हो AlCl3। ये सब क्या है, जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। कैसे, अगर आप यहां पर एक इस एग्जांपल को लेकर के समझें, हम इस बेरिलियम क्लोराइड के एग्जांपल को लेकर के समझें, तो कैसे होगा, मान लीजिए कि यहां पर आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है वो है बेरिलियम। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 4। कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2। ये 1s2 इनर शेल है, ये बॉन्ड पार्टिसिपेशन नहीं करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में, यहां पर 2s2 करेगा, ठीक है ना। सो ये 2s2 और 2p जो है वो एम्प्टी है, खाली, तो ये 2p, ठीक है ना। सो ये हो गया 2s और ये हो गया हमारे पास में 2p, और इसको हमने 3 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप मुझे बताओ कि इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कोई है ही नहीं ताकि ये Cl के साथ में बॉन्ड बना सके, तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में इसका ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, और कैसी स्थिति आ जाएगी, कुछ इस तरह की सिचुएशन इसके पास में आ जाएगी कि ये भी और ये भी, ये दोनों ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब जो क्लोरीन है, अब ये जो बेरिलियम है वो बेरिलियम को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये सब इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे Cl आया जिसके पास में ये 7 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स थे, और ये एक Cl आया जिसके पास में 7 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है ना, क्योंकि Cl जो होता है उसकी जो एटमिक नंबर होती है वो कितनी होती है, 17। तो यहाँ पर क्या कॉन्फिगरेशन होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, हो गए 17, ये 17। तो यहां पर देखो ये जो p5 है, सॉरी 5, यहां पे इस तरह से आप इसे शो कर सकते हो, और जो 3s है उसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कुल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, ठीक है ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से आप यहां पे बता सकते हो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है, और इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर टोटल देखें तो इसके पास में इनकम्प्लीट ऑक्टेट रहेगा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट क्या रहेगा, क्योंकि यहां कोवेलेंट बॉन्ड अगर हमने देखा है तो इस तरीके से केवल 4 इलेक्ट्रॉन्स ही इसके पास प्रेजेंट होंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो जो ऑक्टेट है वो कैसा है, इनकम्प्लीट, ठीक है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो दैट इज वाई
ये BeCl2 क्या करेगा, लुईस एसिड कहलाएगा, जो La लुईस एसिड कहलाता है। इसी तरह से आप BF3 में देख लो, BF3 के अंदर अगर हम देखें ऐसे सिंपली, अगर इसका स्ट्रक्चर, तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है। तो आप ये देखोगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये आपस में शेयरिंग के थ्रू ये बॉन्ड बना रहे हैं, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन जो है इस बेरिलियम सॉरी बोरॉन के पास में होंगे, तो ये भी इनकम्प्लीट है। ऐसे ही AlCl3 में भी एल्यूमिनियम जो है उसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। तो ये इजीली एक एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करते हैं और लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। दूसरी, इसमें और कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं दूसरे जिसमें क्या हो, जिसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हो, वेकेंट या एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। अगर ऐसे सब्सटेंसेस आपके पास हों जहां पर डी ऑर्बिटल्स वैकेंट हो, तो वो भी क्या कहलाएंगे, वो भी आपके लुइस सॉरी हाँ लुइस एसिड्स होंगे। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल देख लें हम, ये सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड देख लें। अब इसमें अगर हम देखें तो देखो, क्लोरीन का तो आपको पता ही है कि आउटर मोस्ट सेवन जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यहाँ हम सिलिकॉन को देखें तो सिलिकॉन को यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो सिलिकॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। तो आप इसको देखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 और 3d0। ठीक है, d होता है ना 3 में भी। तो देखो ये तो इनर मोस्ट शेल है, तो ये तो काम आएंगे नहीं। जो काम आने वाला है वो कौन है, वो ये थर्ड शेल काम आएगा। तो थर्ड शेल को आप यहां पर ड्रॉ कर लो, ये 3s, ये 3p और ये हमारे पास 3d। तो 3s, 3p और 3d, यहां पर आप इलेक्ट्रॉन फिल करो। ये चार हैं, 1 2 3, तो उनका मल्टीप्लिसिटी रूल हमने फॉलो किया। फिर बाद में पेयरिंग हुई तो 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके पास में प्रेजेंट हैं जो बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सीएल कितने हैं, 4। तो ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में इस एक इलेक्ट्रॉन को यहां से और यहां पोजीशन दे देगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आपके पास जो नई सिचुएशन होती है वो कुछ इस तरह की हो जाती है। तो नए सिचुएशन में क्या होगा, नए सिचुएशन में यहाँ पर, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और ये लोन पे, तो ये चार जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली बॉन्ड बना लेंगे। और ये जो खाली ऑर्बिटल्स हैं, ये सब क्या है, ये खाली ऑर्बिटल्स हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स। ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो एम्प्टी है, ऑल आर एम्प्टी और वेकेंट। सो ये जो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं ये यहां पर प्रेजेंट है, जो लोन पेयर को आसानी से जगह दे सकते हैं। जो लोन पेयर है वो आसानी से यहाँ पर दिया जा सकता है। तो दैट इज वाई ये जो SiCl4 है या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है, ये क्या एक लुइस एसिड होगा। ठीक है, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल के ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आप इसको इजीली समझा सकते। इसी तरह से एक थर्ड कैटेगरी है जो लुइस एसिड की होती है, उसे हम बोलते हैं कि सिंपल आयंस। कैसे, कैटायंस, सिंपल कैटायंस, सिंपल कैटायंस अगर कहीं पर प्रेजेंट है, मतलब ऐसा कोई भी आयन जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है ना, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वो लुईस एसिड होगा, वो लुईस एसिड होगा। ठीक है ना, और जितने और इसकी जो स्ट्रेंथ है, अगर यहां पॉजिटिव आयन तो है ही है, हम इस लुईस एसिड की स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं कि जितना ज्यादा, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, अगर पॉजिटिव चार्ज को क्या करें, इंक्रीज करें, इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर हम पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करें, या जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, और जितनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी वो जो लोन पेयर है किसी के पास में, उसको आसानी से वो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट
कर लेगा, ठीक है ना, वो उसको आसानी से एक रूम दे देगा जिसकी वजह से वो लुईस एसिड कहलाने लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज में इंक्रीज हम कर दें तो हम बढ़ा सकते हैं, या फिर हम क्या कर दें उसका जो साइज है उसके साइज को छोटा कर दें, जो रेडियस है, मान लीजिए कि रेडियस इन सॉरी डिक्रीज, अगर रेडियस को डिक्रीज कर देते हैं तो भी साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और साइज छोटा हो जाता है तो न्यूक्लियस के पास में ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसको आसानी से अट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि साइज छोटा है। अगर यहाँ पर एक ये साइज बड़ा होता और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता तो ये न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, यहाँ पर न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम है, तो दैट इज वाई क्या होगा, यहाँ पर जो एसिड है कहलाएगा तो एसिड लेकिन वो कैसा होगा, वीक, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पर वो स्ट्रांग होगा, आसानी से स्ट्रांग, आसानी से उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। इसी तरह से साइज को डिक्रीज करने से के अलावा और क्या कर सकते हैं हम, शील्डिंग इफेक्ट को डिक्रीज कर सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट जानते हो आप, शील्डिंग इफेक्ट जानते हो, शील्डिंग इफेक्ट होता है कि मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ जो शेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहां पर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो जब हम इसको यहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना चाहेंगे या इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देना चाहेंगे तो ये जो पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, सेम चार्ज होने की वजह से उसको रिपेल करेंगे, उसको दूर अपने से भेजेंगे, तो ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ये कम होना चाहिए, मतलब कम से कम ये रिपल्शन जो है वो कम से कम लगना चाहिए। अगर ये रिपल्शन कम से कम लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा आसानी से अट्रैक्ट करे जा सकते हैं इस न्यूक्लियस के द्वारा, और ये न्यूक्लियस जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब ये ज्यादा अच्छा लुईस एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होगा। तो इस तरह से भी आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिसमें हम एक कैटेगरी देखते हैं कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स वो अगर कहीं पर प्रेजेंट हो और वहां पर भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो, डिफरेंट हो, मल्टीपल बॉन्ड्स विथ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मल्टीपल बॉन्ड्स विथ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तो आपको मालूम है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जैसे मान लो कि यहां पर हमारे पास में है कार्बन डाइऑक्साइड, दिस वन। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन को कंपेयर करें कार्बन के साथ तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपनी तरफ खींचेगा, ये भी अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगा, और ये जो ऑक्सीजन है ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर इस तरह से अट्रैक्ट किया तो आप जानते हो कि यहां पर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया और किसी भी एक लोन पेयर को ये आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, जिसे हम बोलेंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसा बिहेव कर रहा है, एसिड का, कैसा, लुईस एसिड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और साथ में मल्टीपल बॉन्ड। इसी तरह से हम और भी उनको देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को देख लेते हैं। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो कुछ इस तरीके का बना होता है, इस तरीके का। यहां पर भी आप देखोगे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की और सल्फर की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ ज्यादा मूव करेंगे तो यहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो ये क्या शो करने लगेगा, ये शो करने लगेगा लुईस एसिडिक कैरेक्टर। ओके, अब इसका एसिडिक कैरेक्टर कैसे नापें, उसको आप ऐसे नाप सकते हो कि किसी भी एसिड की रिएक्शन अगर आप किसी बेस के साथ करा दो तो वो सॉल्ट बना लेता है या आयन बना लेता है, ठीक है ना। किसी भी सॉल्ट का आयन बना ले या
सॉल्ट बना ले तो वो हम कह सकते हैं कि वो एसिड है। तो आप देखो इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ही इसका एग्जाम्पल देकर के देख ली कि जैसे ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है और एक हमने ये एसिड है और ये हमने बेस ले लिया एक OH माइनस, इसकी रिएक्शन इसके साथ में करवा दी। तो क्या होगा, ये मान लीजिए ये कार्बन है और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, और यहां पर आपको मालूम है कि ये जो डबल बॉन्ड्स हैं ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ यहाँ पर ऑक्सीजन खींचेगा, जिसकी वजह से ना तो ये डबल रहेंगे ना सिंगल, तो ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिखा दी मैंने डॉटेड लाइन से। ओके, और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है अब इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो यहाँ पर ये जो OH माइनस आयन है जिसके पास में लोन पेयर है ये अपना लोन पेयर इसको प्रोवाइड कर देता है ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रोवाइड हो जाएगा और यहाँ पर एक चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने लोन पेयर प्रोवाइड किया, पहले इसके पास था नहीं, और ये क्या बन गया, ये बन गया आपका HCO3- जिसको आप क्या बोलते हो, बाइकार्बोनेट। तो ये बाइकार्बोनेट आयंस बन गया। ऐसे आप बहुत सारे सब्सटेंसेस में आप इसमें भी दिखा सकते हो, ठीक है ना, और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस में दिखा सकते हो जो लुईस एसिड होते हैं, ठीक है। और लुईस एसिड कौन शो करेंगे या कौन लुईस एसिड्स कहलाएंगे, ऐसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन सेक्सेट हो, इलेक्ट्रॉन का सेक्सेट हो, इलेक्ट्रॉन सेक्सटेट प्रेजेंट होना चाहिए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन सेक्सटेंट है ये क्या है, ये है कि वो जो सेंट्रल मेटल एटम है या सेंट्रल एटम है उस वो जिस भी उसके साथ में एलिमेंट के साथ में या किसी स्पीसी के साथ में अगर वो आ रहा है तो उसके पास में आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल लूं, ये मान लो कि SO3 2- है ना, और मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं ऑक्सीजन के साथ। अब ऑक्सीजन के आपको पता है कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6। कैसे देखोगे, आपको मालूम है कि ये होता है 8 और यहां आप बना दो 1s2 2s2 2p4, ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है ना। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6। ये 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से अकोमोडेट हो सकता है। कैसे हो सकता है कि ये जो 2p है इसको आप ऐसे दिखा दो, ठीक है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से यहां पर आ जाएगा, ये यहाँ पर अगर चला जाए तो एक ये एम्प्टी ऑर्बिटल होगा या एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास में है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास यहाँ SO3 2- में है वो आसानी से इसको दिए जा सकते हैं। तो ये क्या बना लेगा, ये इस तरीके से बना लेगा ये SO3 और इसने अपना एक लोन पेयर इस ऑक्सीजन को दे दिया, ठीक है ना, और ये 2- कर दिया, ठीक है, ये SO4 2- है, SO4 2- सल्फेट आयन। ओके, तो ये क्या है, ये एसिड है, ये लुईस एसिड है, क्लियर। नाउ इसी तरह से हम लुईस, ये सारे के सारे जो मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को बताया, जो क्लासिफिकेशन बताया वो बताया लुईस एसिड्स को लेकर के, अब आप लुईस बेसिस को भी कैटेगराइज कर सकते हो या क्लासिफाई कर सकते हो। तो लुईस बेसिस क्या होंगे, जस्ट अपोजिट कर दो जो भी आपने अभी तक लुईस एसिड्स के बारे में देखा है उनको। तो मोटा मोटा आप क्या कह सकते हो कि वो मॉलिक्यूल्स और एनायन जिनमें लोन पेयर प्रेजेंट हो, जो डोनेट किया जा सकता हो, उसे हम लुईस बेस बोलेंगे। तो यहां पर मान लीजिए कि ये अमोनिया है, इसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, ये इसको डोनेट कर सकते हैं। हम वाटर की एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो वाटर के पास में भी लोन पेयर है, ये डोनेट किए जा सकते हैं। ये फ्लोराइड है, इसके पास में लोन पेयर नहीं है लेकिन माइनस आयन है, और माइनस आयन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, तो ये लोन पेयर प्रोवाइड किया जा सकता है, या CN-। तो ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल्स आप बता सकते हो जहां पर नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, वो सभी के सभी लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लुईस एसिड्स और बेसिस किस तरह से क्लासिफाई होते हैं और किस तरह से आप उनको पहचान सकते हो कि कौन लुईस एसिड है और कौन लुईस बेस है। अब ये जो कॉन्सेप्ट लुईस एसिड्स एंड बेसिस के लिए लुईस ने दिया, इसकी बहुत कुछ एडवांटेजेस हैं या बहुत से यूजेस हैं। वो यूजेस में अगर हम देखें जो इसकी यूटिलिटी है वो अगर हम देखें तो क्या यूटिलिटी हो सकती है,
या क्या बातें हैं ये ऐसी बताता है जो बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे हम नहीं समझ पा रहे थे। तो पहला तो ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रोटॉन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो एच प्लस आयन की जो इन्वॉल्वमेंट है, एच प्लस आयन की जो इन्वॉल्वमेंट है इज नॉट प्रेजेंट, इज नॉट नेसेसरी, ठीक है ना। यह जरूरी नहीं है कि वो एच प्लस आयन हो, या तो वो दे या ले, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहां पर नहीं है। और क्या है कि बहुत सी ऐसी रिएक्शंस थी जो एसिड बेस रिएक्शंस थी जो हम पहले नहीं समझ सकते थे, लेकिन इस एसिड बेस जो लुईस एसिड बेस है इससे हम आसानी से हम समझ सकते हैं। तो एसिड बेसिक जो बिहेवियर है, बेसिकली एसिड और बेस का जो बिहेवियर है, बिहेवियर, ठीक है ना, वो हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। साथ में इसमें किसी सॉल्वेंट की जरूरत भी नहीं है। जब आप ये एसिड बेस रिएक्शंस करवाओगे ना तो सॉल्वेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। पहले जब भी हम बनाते थे तो किसी ना किसी तरीके के सॉल्वेंट में उसको मिलाते थे और सॉल्यूशन बनाते थे, चाहे वो एक्वस सॉल्यूशन बनाए या किसी दूसरे सॉल्वेंट में लेकर के बनाए, तो वो हमें वहां पर चाहिए होता था। लेकिन यहां पर हमको ना तो कोई पर्टिकुलर एलिमेंट चाहिए और ना ही कोई सॉल्वेंट चाहिए। इसी तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो गैस फेज वाले जो रिएक्शंस हैं जो गैस फेज में होती हैं, अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो सारी की सारी लिक्विड स्टेट में जितनी भी रिएक्शंस हो रही थी उनको एक्सप्लेन कर रहे थे, लेकिन गैसियस फेज में अगर कोई रिएक्शंस हो रही हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कोई थ्योरी नहीं थी। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी है वो गैस फेज के अंदर, या हाई टेम्परेचर अगर हो आपके पास, ठीक है ना, टेम्परेचर अगर हो हाई, या कोई सॉल्वेंट ही ना हो, नॉन सॉल्वेंट, कोई सॉल्वेंट ना हो, ठीक है ना, हर तरह की रिएक्शंस को ये इजीली एक्सप्लेन कर सकता है। एक और यहां पर खास बात इसकी क्या है कि अगर एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड्स अगर हम लें, अगर हम एसिडिक या बेसिक ऑक्साइड्स अगर ये हम लेते हैं तो, और कैसे ले रहे हैं, फ्यूज्ड स्टेट में, मॉल्टन स्टेट में, फ्यूज्ड स्टेट में अगर हम लेते हैं तो भी यहां पर हम इसको समझा सकते हैं नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट होने पर भी, नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट के होने पर भी। जबकि पहले हमें क्या करना पड़ता था, पहले हमें प्रोटोनिक सॉल्वेंट कोई ना कोई लेना पड़ता था, हम उसकी पिघली हुई अवस्था में उसको समझा नहीं पाते थे कि वो कैसे एसिडिक और बेसिक रिएक्शंस कर रहा है, क्योंकि जब भी आप उस किसी भी एसिड और बेस को ब्रेक करोगे तो वहां पे कोई ना कोई सॉल्वेंट आपको चाहिए होता था। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर की सिर्फ ट्रांसफर होती है, डोनेटिंग या एक्सेप्टिंग एक जो फिनामिना है वो सिर्फ कंसिडर किया जाता है। तो ये सारे के सारे कुछ यूटिलिटीज या एडवांटेजेस आप कह सकते हो कि इस लुईस कॉन्सेप्ट के हैं। इन सब एडवांटेजेस के बावजूद भी कुछ लिमिटेशंस हमें यहां पर देखने को मिलती हैं लुईस कॉन्सेप्ट में। पहला तो क्या है कि जो स्ट्रेंथ है लुईस एसिड्स और बेसिस, इनकी जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम कोई एक ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन जो है वो वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो हम यहां पर नहीं दे सकते, ठीक है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। साथ में बहुत सारी आपको, जब आप रिएक्शंस पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि एसिड बेसिक के मिलने से जब रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, फास्ट होती है, ठीक है ना, एसिड बेस रिएक्शंस जो है वो फास्ट होती हैं। लेकिन बहुत सी ऐसी रिएक्शंस हैं जो कैसी हैं, स्लो। अब वो स्लो क्यों है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी, सॉरी, जो लुईस एसिड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। तो ये आपका था लुईस कॉन्सेप्ट जो हमने अभी देखा। अभी एक और
हमारे पास में कॉन्सेप्ट है एसिड्स और बेसिस को समझाने के लिए, और जिसे हम बोलते हैं उसानोविक कॉन्सेप्ट। ये जो उसानोविक कॉन्सेप्ट है इसको हम कभी कभी द पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम कॉन्सेप्ट। ये जो सिस्टम है वो उसानोविक ने 1939 में दिया इस कॉन्सेप्ट को, और ये बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट है जो हमने अब तक जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, चाहे वो आरनीएस का हो, ब्रॉन्स्टेड लोरी का हो, फ्लक्स एंड फ्लड का हो, या हमने सॉल्वेंट सिस्टम मेथड पढ़ा हो या लुईस सिस्टम पढ़ा हो, इन सभी कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर के इस कॉन्सेप्ट को उसानोविक ने दिया, और एसिड्स और बेसिस को इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की। और क्या कहा कि कोई भी स्पेसी अगर वो एसिड है तो वो या तो कैटायंस देगी या एनायंस के साथ में कंबाइन होगी या इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कंबाइन होगी या बेस के साथ में जुड़ करके सॉल्ट देती है, तो उस स्पेसी को हम एसिड कहते हैं। एसिड कौन है मैं वापस आप लोगों को यहां पर बताता हूं कि एसिड कौन है। उसने पहली चीज कही कि जो कैटायंस देने वाली हो, कंपेटिबल टू गिविंग कैटायंस, कैटायंस देती हो। दूसरी चीज कि वो एनायंस के साथ में कंबाइन हो, एनायन के साथ में क्या हो, कंबाइन, या इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कंबाइन, इलेक्ट्रॉन्स के साथ में करता है, या फिर बेस के साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे, न्यूट्रलाइजेशन। ये सभी प्रॉपर्टीज अगर किसी में है तो वो एसिड कहलाता है। और बेसिस कौन होंगे, बेसिस जस्ट इसके उल्टे होंगे कि जिसमें कैटायन की जगह एनायन जो देता हो, गिव एनायन, कैटायंस के साथ में कंबाइन हो, कैटायंस के साथ में कंबाइन होता हो, या इलेक्ट्रॉन्स देता हो, इलेक्ट्रॉन, या तो यहां पे भी आप लिख सकते हो गिव एनायन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको हम यहां से हटा देते हैं। और या फिर क्या करें कि वो एसिड के साथ में कंबाइन होकर के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करे, कि एसिड के साथ में क्या दे, न्यूट्रलाइजेशन। तो ये सभी कंपाउंड्स क्या होंगे, बेस होंगे, क्लियर। और एसिड्स और बेसिस इन दोनों को अगर हम मिला दें, ये एसिड है और ये बेस है, इन दोनों की अगर हम कॉम्बिनेशन कर दें तो वो क्या देगा, सॉल्ट फॉर्म देगा या रिडॉक्स रिएक्शंस देंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें तो जनरल कॉन्सेप्ट तो है, ये है ही, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सभी तरह के जो एसिड बेस को दिए गए जो कॉन्सेप्ट है उन सबको यहां पर लिया हुआ है। तो ये इसकी लिमिटेशन भी है, ये इसकी यूटिलिटी भी है, कि यहां पर हम किसी एक पर्टिकुलर एक किसी एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे, बल्कि हमने काफी सारी चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करके और इस डेफिनेशन को दिया है किसी भी एसिड और बेसिस को लेकर के, ठीक है ना। लेकिन इसकी लिमिटेशन भी यही है कि ये बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट है उसका मिक्सचर है। एक लिमिटेशन इसकी ये भी है कि ये सभी तरह की जो केमिकल रिएक्शंस है ना, उसको एसिड बेस के रूप में ही देखता है, किसी और तरह की रिएक्शन के रूप में नहीं देखेगा, वहां पर ये एसिड और बेसिस के फॉर्म में ही देखेगा कि सभी तरह की रिएक्शंस एसिड बेसिक रिएक्शन, जबकि ऐसा नहीं है। साथ में जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं जिनको हम और दूसरे कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन
ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं जिनको हम दूसरे कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शंस को हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से इजीली नहीं समझ पाते, ठीक है। सो ये सारी की सारी जो चीजें थी वो ओसानोविक ने अपने कॉन्सेप्ट में दी। नाउ अगर हम इनके कुछ एग्जाम्पल देखें, इस ओसानोविक के कुछ एग्जाम्पल देखें कि भाई किस तरह से ये एसिडिक और बेसिक नेचर को शो कर रहा है और कैसे उसको हम बता सकते हैं या समझा सकते हैं, तो मान लो कि हम यहाँ पर एक कंपाउंड लेते हैं जिसको हम बोलते हैं SO3, ये गैस है। अब ये एसिड है या बेस अभी देखते हैं। इस तरह से हमने इसकी रिएक्शन कराई Na2O के साथ में। अब ये एसिड है या बेस, हमें इतना पता है कि ये एसिड है और ये बेस है, या ये बेस है ये एसिड है, और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं Na2SO4। ये सॉल्ट है ये पता है क्योंकि एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनता है, लेकिन ये हमें पता नहीं है कि ये एसिड या बेस में से कौन, ठीक है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कि ये एसिड और बेस इनमें से कौन कौन। तो हमें यहां पर अगर हम इसको देखें तो ये क्या डिवाइड करता है, ये देता है 2Na+ और O2-। अगर हम इस SO3 को देखें तो ये इसने क्या किया, यहां पर अगर आप देखो तो Na2 अकेला रह गया और SO3 SO4 में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए हमने यहां पर ये देखा। और ये जो निकला है ये इसके साथ में जुड़ जाता है, तो अगर ये यहां पर जुड़ जाए ये ऑक्साइड आयन के पास में जुड़ जाए तो ये SO4 2- बना देता है, और ये SO4 2- और ये 2Na+ ये दोनों आपस में जुड़ करके और क्या बना देंगे, Na2SO4 बना देंगे। अब देखो यहां हुआ क्या, एसिड कौन हुआ, एसिड वो हुआ जो एनायन एक्सेप्ट कर रहा है, एनायन के साथ कंबाइन, ये मैंने आपको बताया यहां पे कि एनायन के साथ में क्या हो, कंबाइन हो। तो एनायन के साथ में कौन कंबाइन हुआ, एनायन कौन है, एनायन है आपका ये ऑक्साइड आयन, और ये कंबाइन किसके साथ हुआ?